अमरोहा में यूसीसी के समर्थन में बीजेपी के पूर्व विधायक की अनोखी पहल देखने को मिली है, जहां पैदल कांवड़ रथ यात्रा निकालकर यूसीसी का समर्थन किया गया। दरअसल गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा से बीजेपी के पूर्व विधायक रहे डॉक्टर कमल सिंह मलिक ने इस अनोखी पहल की शुरुआत की। इस सावन मास के प्रत्येक सोमवार को विधायक गजरौला के ब्रजघाट से गंगा जल भरकर पैदल कांवड़ रथ यात्रा निकालते हैं और शिवालयों पर जाकर जलाभिषेक कर यूसीसी लागू हो ऐसी कामना करते हैं। वहीं गजरौला में भाजपाइयों ने कांवड़ रथ यात्रा पर पुष्प वर्षा का भी स्वागत किया। पूर्व विधायक डॉक्टर कमल मलिक ने कहा कि सावन का पवित्र मास है। सावन माह में सभी भक्तगण शिव जी की आराधना करते हैं। हमने भी सावन के प्रत्येक सोमवार को रथ यात्रा निकालने का कार्यक्रम निश्चित किया है। लोकसभा के अलग अलग प्राचीन शिवलिंगों पर जलाभिषेक किया जाएगा। कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में ये जलाभिषेक उनके द्वारा किया जा रहा है। पूरे देश भर के लिए और मुस्लिम समाज की महिलाओं के लिए यूसीसी अति आवश्यक है, जिसका समर्थन हम सभी को करना चाहिए और सभी को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। करने के जा रहे हैं तो क्या कहेंगे आज? मेरा कहना यह है कि ये शिव का महीना है और हम सब लोग जानते हैं जब शिव का महीना आता है प्रत्येक तत्व शिव में हो जाता है और हम लोग भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, देश का एक एक राष्ट्रभक्त इस बात के लिए लगा है इस बार की कांवर पे तो मुस्लिम बहनों के साथ 70 साल से लोकतांत्रिक इतिहास में अन्याय हुआ, उनको समानता का अधिकार नहीं मिला। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, निश्चित रूप से मुस्लिम बहनों को बहुत बहुत उनको अपने अधिकारों को की रक्षा होगी। इसके लिए एक कामर है भारत फिर बुने मानवता का लंबाधार बन सके, इसके लिए एक कामर है भारत फिर बुने पूरी दुनिया का नेतृत्व कर सके, इसके लिए एक कामर है भारत का एक एक युवा राष्ट्र के लिए जिस प्रकार से खड़ा है उन सबको मैं बधाई दूंगा कि आज जिस प्रकार से प्रत्येक युवा भगवान शिव की कामर लेकर के आ रहे हैं, एक एक युवा जिसकी सिर्फ उसका वजन 60 किलो है और वो 250 किलो का जल लेकर के अपने कांवर लेकर के जा रहा है, ये भगवान शिव की शक्ति है और एक एक युवा जो भगवान शिव की आराधना में लगा है निश्चित रूप से उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। अगली बार की कांवर जो इस बार कांवर लाएगा भगवान शिव की आराधना करेगा उसके जीवन में निश्चित रूप से यश होगा, मंगल होगा, कीर्ति होगी, तेज होगा, ऐसा मेरा आह्वान है। ये कितने किलोमीटर का आप जो सफर ये तय कर रहे हैं? 25 से 26 किलोमीटर का सफर। और ये आपने ठाना है कि जब तक यूनिवर्सल जो सिविल कोड लागू होगा जब तक नहीं आप कांवर लेकर आएंगे? हाँ, प्रत्येक सोमवार हम लोग कांवर लेकर के आएंगे जी। ये तो इस बार 14 है तो इसमें कांवर आई है जी। बाकी हम लोग सोमवार को कांवर उठाया करेंगे जी। इस बार की कांवर धनौरा के पत्थरकुटी शिवालय पर होगी जी। अगली बार की हसनपुर होगी जी। और उससे नेक्स्ट गजरौला में चकलेश्वर महादेव है वहाँ होगी जी। और 2 कांवर गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में होंगी जी। इस प्रकार से मैं आह्वान करता हूँ, आवे जुड़े। आज बहुत गर्मी थी लेकिन आप देखिए ये कांवर के सिर्फ भक्तों को किस प्रकार से झूमते हुए कांवर लेकर के आए हैं। सड़क का टेम्परेचर 60 से 70 डिग्री है और उस पर भी बहुत सारे युवा नंगे पैर चल करके लेकर के आ रहे हैं। निश्चित रूप से भगवान शिव की उनकी शक्ति का प्रभाव है।